कुपोषण भारत की एक गंभीर समस्या रही है और कुपोषण में अभी भारत बदल रहा है ये दिखाई भी देता है। मैं सरकार को साधुवाद देती हूँ, बहुत विस्तृत उन्होंने उत्तर दिया है, लेकिन मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो कुपोषित बच्चों का प्रतिशत है वो राष्ट्रीय प्रतिशत से ज्यादा है, तो क्या उनके लिए कोई विशेष योजना चलाई जाएगी? ऑनरेबल मिनिस्टर, माननीय सांसद अजय सरोज जी ने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। सर, हम कुपोषण को लेकर बहुत ही गंभीर रूप से सरकार का ध्यान है और काम भी कर रहे हैं। सर, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से माता को उपलब्धि की जा रही है, जननी सुरक्षा योजना हो या जननी शिशु सुरक्षा योजना, ऐसे अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के माध्यम से, ताकि पहले ही वो डायग्नोसिस हो कि बच्चा कुपोषित तो नहीं है, तो माता और बच्चे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सर अनेक योजनाओं के माध्यम से नरिशमेंट के लिए भी ध्यान रखते हैं। सर, पोषण अभियान के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट भी चलाई जाती है, तो हमारी मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड के माध्यम से भी उनको न्यूट्रिशनल का कंसेप्ट दिया जाता है, और विलेज हेल्थ सैनिटेशन और न्यूट्रिशनल डेज जो होती है ये ग्रामीण इलाके में चाइल्ड केयर के लिए, एक एमरजेंस के लिए एक मंत्रालय के माध्यम से भी ये योजना चलाई जाती है। सर, ऐसी अनेक योजना और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से 0 से 18 एज का जो एज ग्रुप है उसमें सर स्क्रीनिंग होता है। सर, आंगनवाड़ी के माध्यम से हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्क्रीनिंग करती है, आशा बहनों के माध्यम से भी ये स्क्रीनिंग होता है, और अगर कुपोषित है, अगर माल नरिष्ट है, तो उन बच्चों के लिए योजना के माध्यम से भी उन्हें मदद दी जाती है। ऑनरेबल मेंबर, सेकंड सप्लीमेंट्री। मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने योजनाओं की बहुत विस्तृत जानकारी दी। कुपोषण एक समस्या है और भारत सरकार इस पर गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने जिन योजनाओं को लाया है वो सभी योजनाएं धरातल पर हो। मैं माननीय मंत्री जी को पूछना चाहती हूँ कि मातृ और बाल संरक्षण कार्ड योजना जो लाई गई है, यह योजना अपने आप में बहुत अनूठी है। इस योजना के लिए जो पोषण संबंधी दूर करती है, तो पोषण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए जो ये कार्ड योजना लाई गई है, इसको हम नीचे तक उतारने के लिए क्या कोई विशेष अभियान चलाएंगे? ऑनरेबल मिनिस्टर, माननीय चेयरमैन सर, बहुत ही अच्छी योजना है। आदरणीय सांसद महोदय ने जो मुद्दा उपस्थित किया है कुपोषण को लेके, उसमें सर मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू एड्रेस द न्यूट्रिशनल कंसर्न इन द चिल्ड्रन। सर, ये दोनों मिनिस्ट्री के माध्यम से पोषण के दृष्टि से ये दिया गया अभियान है, और ये जरूर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको नोडल ऑफिसर रहते हैं जो कि एक मॉनिटर करते हैं, और हमारी आंगनवाड़ी के माध्यम से भी और हेल्थ मिनिस्ट्री के माध्यम से, हमारी आशा बहनों के माध्यम से, ये बच्चों को कुपोषित है तो उनका वजन लेना हो, अगर कम है तो उनको ट्रीटमेंट के लिए तहसील तालुका प्लेस और जिला लेवल तक मदद की जाए, और सर ऐसे सेंटर्स भी है कि जो कुपोषित बच्चों के लिए ट्रीटमेंट के लिए भी जिले में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 57, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना। ऑनरेबल मिनिस्टर, आंसर इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस सर। सप्लीमेंट्री नंबर 1। सर, राजस्थान में सत्ता में आने से पूर्व कांग्रेस सरकार ने संपूर्ण कर्ज माफी का वादा किया था, और संपूर्ण कर्ज माफ हुआ नहीं, उसके कारण बहुत लोगों ने आत्महत्या की, और राजस्थान सरकार ने बहुत से किसानों की भूमि को नीलाम कर दिया, कुर्क कर दिया। क्या केंद्र आप 20,000 किसानों की जमीन को कुर्क कर दिया, क्या केंद्र सरकार राज्य को निर्देशित करेगी ताकि किसानों को राहत मिल सके, उनकी जमीन कुर्क नहीं हो और उनका और माफ हो सके? माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सभागृह को बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने जो बजट डिक्लेयर किया है, वो बजट में एग्रीकल्चर फंड बोल के 20 लाख करोड़ दिया है। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ, अलाइड बिजनेसेस
जैसे डेयरी हो, पोएट्री हो, शिप हो, ये सभी के लिए ये फंड डिक्लेयर किया है। अभी जो क्वेश्चन पूछा है वेविंग ऑफ द लोन इन राजस्थान, तो मैं बताना चाहता हूँ केंद्र सरकार के माध्यम से कौन सा भी किसान का कर्ज पिछले 3 साल में माफ नहीं किया है और ऐसी कोई स्कीम नहीं है। लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूँ जो किसानों के लिए जो सर्फेसी एक्ट रहता है वो सर्फेसी एक्ट नहीं रहता है। जो किसानों ने लोन लिया है तो किसानों का सर्फेसी एक्ट नहीं रहता है और इसलिए किसानों को कोई तकलीफ नहीं है, किसानों ऐसी कोई सुविधा नहीं है। ऑनरेबल मेंबर सेकंड सप्लीमेंट्री, किसानों के कृषि बीमा योजना में राजस्थान में बहुत जबरदस्त घोटाला है, किसानों का पर्याप्त कृषि बीमा नहीं मिला। इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कोई ऐसी कमेटी वहां भेजे जो जांच करे कि किसानों के बीमा के नाम पर जो ठगी हो रही है उसमें कार्रवाई की जा सके। ऑनरेबल मिनिस्टर, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं क्योंकि प्रधानमंत्री किसान फसल योजना जो है, जो योजना बीमा योजना जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और ये योजना के माध्यम से लाखों करोड़ों किसानों को पैसे मिल रही है, राशि मिल रही है। इतना ही नहीं तो मैं बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने अच्छे तरह से जो रजिस्ट्रेशन किया है उनको पैसा मिलता है, लेकिन इनके साथ जो किसानों को जो राहत मिल रही है, जैसा किसान क्रेडिट कार्ड हो, बाद में सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी मदद मिलती है, बाद में इनाम के भी होते हैं और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो अलग अलग स्कीम के माध्यम से किसानों को मदद हो रही है। अभी क्वेश्चन जो पूछा है जिसमें जो राजस्थान में फसल बीमा नहीं है तो राजस्थान में कौन से कंपनी को जो मिला जिका है, जिसमें प्राइवेट कंपनी भी रहती है और सरकारी कंपनी भी रहता है, तो वो जो उसके राजस्थान के गवर्नमेंट के तरफ से रिपोर्ट आने के बाद उसके ऊपर डिसीजन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 58, श्री रामनाथ ठाकुर, श्री रामनाथ ठाकुर, बीमा घोटाला उन्होंने खुद ने किया है, जल शक्ति मंत्री ने, ऑनरेबल मिनिस्टर, विवरण सभापति में रख दिए। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58, ऑनरेबल मिनिस्टर, श्री रामनाथ ठाकुर, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 59, श्री मानस रंजन मंगराज, क्वेश्चन नंबर 59, श्री मानस रंजन मंगराज, ऑनरेबल मिनिस्टर, चेयरमैन साहब जो आप सभा पटल पर रखा दे, सप्लीमेंट्री वन, क्वेश्चन नंबर 60, श्री सुजीत कुमार, क्वेश्चन नंबर 60, श्री सुजीत कुमार एब्सेंट, ऑनरेबल मिनिस्टर।